बाइक स्टार्ट कर लिए, ग्रीन हो गया, चलते हैं। तो अपाचे पांच पावर फील किया है और देख सकते हैं गाड़ी बहुत जल्दी बहुत मस्त स्पीड पकड़ ली थी। काफी अच्छा पिकअप है, पर लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। अगर आप एक एंथुसियास्ट नहीं है और बाइकर बहुत बड़े नहीं है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस गाड़ी में, बिकॉज बहुत स्पोर्टी है। और स्पोर्टी होने के साथ साथ आप जानते ही हैं फिर आपके बैक में, हैंड में और सब जगह पे आपको प्रॉब्लम देने लगेगी। बट जिनकी हाइट कम है उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग है, काफ़ी सेक्सी है और स्टांस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चेक करते हैं थोड़ा इसको ड्राइव करके क्या स्पीड फील हो रहा है। और एक चीज और है कि अब इलाहाबाद की सारी लाइटें जा चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये कितना खाली खाली सा लग रहा है और कितना यार कैसा लगता था। ये सब कुछ लोगों ने धरना दे दे के पूरा सब जगह की लाइटें बंद कर डाली है। नाइट व्लॉग है ये और नाइट में ऐसा हो गया है कि अब मैं क्या ही बताऊं। आज ही के दिन ऐसा होना था जिस दिन मुझे ब्लॉग शूट करना था, बड़ा दुख हो रहा है। मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, भैया भी डिसअपॉइंटेड है, भैया कभी किसी खास के घर के पास की लाइट गई है। आप हमारी भाभी के घर के पास जान मार जा जानी जत्ता बोला। अच्छा ठीक है, हो सकता है भाभी भी देख रही होगी। तो भाभी भैया इज वेरी सैड बिकॉज आपके घर की लाइट जा चुकी है। रोना पड़ता है तो भाइयों और बहनों जिनकी भी लाइट गई है, भाभियों की लाइट गई है, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा। ये देखिए आप नैनी ब्रिज का व्यू देख सकते हैं, इस टाइम का पूरा खाली है, एकदम पूरे तरीके से बंद है। और कहीं पे तो आप देख सकते हैं नैनी ब्रिज पे आ चुके हैं, कहीं से नहीं लग रहा है नैनी ब्रिज पे हैं। और पूरा अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है, एक ही चीज़ की लाइट दिख रही है वो है ये, और कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम। सो हाय फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल आया है। आई होप आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट बहुत कम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिख जाए, कैमरा फोकस कर रहा हूँ मैं उसी जगह पे। सो अभी ये रेलिंग के बहुत पास खड़े, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में मेल है, लेफ्ट साइड में फीमेल है, उनके हाथ में छोटा बेबी भी है। सो वो रेलिंग के बहुत पास खड़े थे और बेबी को भी हाथ में लिया हुआ था, तो हमने अभी जाके उनको दूर किया वहाँ से, बिकॉज़ वहाँ खड़ा होना सेफ नहीं है। बिकॉज़ अभी रिसेंटली ही इसी तरीके की लापरवाही में एक छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया था, उन लोग भी ऐसे ही फ़ोटोशूट्स कर रहे थे साइड में खड़े होकर, एकदम साइड वाले रेलिंग पे, एकदम कॉर्नर पे, और उनसे लापरवाही हुई थी कि उन्होंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा था, एक हाथ से बेबी को पकड़ा था, कुछ इसी टाइप की गलतियाँ ये भी कर रहे थे। तो अगर आप भी इस तरीके का कुछ देखते हैं तो प्लीज़ आप हेल्प करिए, उनको बताइए, अवेयर करिए इस फैक्ट से कि वो दूर हटें, जैसे कि वो दूर खड़े हैं। चल रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं, तो अब ड्राइव करके यहाँ से भागते हैं। यार तो यार लाइट आ चुकी है और जितनी देर हम लोग थे तब तक लाइट नहीं आई और अब लाइट आ चुकी है, सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है।
रिकॉर्डिंग चली रही है? नहीं, मैंने पॉज कर दिया। अच्छा चलो। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा स्टंटिंग सेशन था, और बस बहुत ज़्यादा स्टंट नहीं करना चाहिए गाड़ी के साथ, गाड़ी भी ख़राब होती है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसे लगे तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बी सेफ, राइड सेफ एंड स्टे सेफ। और ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट मत करिएगा, हम लोग थोड़ा सा खाली जगह पे आए थे जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं, एक्चुअली उस तरीके से नहीं आती हैं जैसे मेन जगह पे आती हैं सब गाड़ियाँ। सो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक अलग सेफ जगह को चूज़ किया था इसके लिए। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, और राइड सेफ, बी सेफ एंड स्टे सेफ।